भी बना के दे रही हूँ। हैं? नहीं ये नहीं दिख रहा, सॉरी मेरे को दिखना रहा है। नहीं मेरे को ये दिखना रहा, सॉरी अच्छाई होनी भी तो चाहिए, तभी तो दिखेगी। नहीं नहीं जिसमें होगी नहीं तो दिखेगी कैसे? ठीक है तो तुमसे बात भी नहीं करा, मैं गाइस से बात कर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस सलूजा व्लॉग। तो गाइस दिन की शुरुआत हो चुकी है, लोगों के तो 6 बजे होते हैं, हमारी 10 बजे दिन की शुरुआत हो रही है। 9:30 बजे दिन की शुरुआत इसलिए हो रही है क्योंकि बंदा पहले उठ भी जाए, पर अगर वाइफ ही 9:30 उठे तो बंदा क्या कर लेगा उठ के भाई अकेले। तो फाइनली चलो, वाइफ की तबीयत खराब है नहीं पता है, वही बहुत बड़ी बात है। तबीयत खराब है क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? फीवर नहीं हुआ आपको? नहीं पता? नहीं, इतनी वीकनेस लग रही है, उसे उठा ही नहीं जाता। वीकनेस लग रही है तो एक काम करो ना तुम यार, तुम अभी चाय पी के मल्टीविटामिन ले लो, 1 घंटे में वीकनेस सही हो जाएगी तुम्हारी। फर्क ही नहीं पड़ता ना, जिस दिन मेरी फोटो पर माला चढ़ जाएगी उसी दिन फर्क पड़ेगा। फालतू बात मत करो ठीक है, फर्क ही नहीं पड़ता, मैं बीमार रहूं तो बोल तो रहा हूँ मल्टीविटामिन दे दूंगा अभी उठ के भागोगे। अरे मजाक कर रहा हूँ, कोई नहीं अभी तुम्हें जूस पिला के लाता हूँ, जहर भी पिला। फालतू बकवास मत करो ठीक है, फिर ब्लॉग में ही सुनोगे मेरे से। तो गाइस मेरे लिए बन रही है चाय। हाँ गाइस अभी एक हरकत हुई, आपको बताता हूँ कि भाई बीवियाँ कितनी चंट होते, कितनी हद तक चंट हो सकती है ये बता रहा हूँ ठीक है। मेरे को उठ के पता क्या कह रही है, कह रही बाबू आज ना आपके हाथ की चाय पीनी, मेरे हाथ की चाय पीनी, पूछो तो कैसे, चाय सिर्फ मैं ही पीता हूँ ठीक है। ये सिर्फ क्या करती है, गर्म पानी ले लेती है और उसमें कॉफ़ी डाल लेती है, तो मेरे हाथ की चाय तो उसने पीनी नहीं। ये सीधा तो इनडायरेक्टली मेरे को ये बोल रही थी कि अपनी चाय खुद बना के पी लो, क्योंकि इसने कौन सा चाय पीनी, अगर इसने पीनी हो तो भाई हाँ मेरे हाथ के चाय का टेस्ट देखना चाहती है। वेस्ट ये तो समझ आता है, इसने चाय तो पीनी नहीं, उसमें गर्म पानी ले लेना। तो कह रही कि मतलब मेरे को भी अपने हाथ की मतलब आज चाय तुम बना के पिलाओ, ये बोल रही है। और चाय तो सिर्फ मैंने ही पीनी है, सीधी तरह नहीं बोल सकते, तो सीधी तरह बोल देते ना कि खुद ही बना के पी लो चाय, तो ये गर्म पानी दे दो। हाँ तुम बातों को घुमा के मत बोला करो, जितने तुम चंट हो ना कोई होगा भी नहीं ठीक है। अपने बाल के क्या हालत कर रखी है तुमने? ऑयलिंग की हुई है तो चुटिया तो सही से कर लो, ऑयलिंग से बालों के बाल सही रख मतलब रख सकते हैं, चुटे वगैरह तो हो ही सकती है। कैसे नाश, कैसे नाश मारा हुआ बालों का, कैसे नाश मारा हुआ बालों का, उठते करीना कपूर बंदी है, बता रहा हूँ मैं, नहीं बन सकती, मैं दूसरी ले आओ। तो चलो गाइस मैं चाय पी लेता हूँ, गैस तो बंद कर दो, गैस ऑन रखी हुई है। चलो गाइस सास है, हो गया दूसरी सास है, पीछे पड़ा हूँ, तुम मेरे पीछे पड़े हो। चल पीछे जैरी दिख रहा है गाइस इसकी शर्ट पे, बस हम टॉम एंड जैरी हैं। गाइस सुबह के बच्चों के 10:30 अब नाश्ते की प्लानिंग शुरू हो गई है, लंच टाइम तक नाश्ता बन जाएगा दोनों का एक साथ, निबेड़ देगी कह रही हूँ मैं। तब ये 10:30 शुरू कर दी कि लंच में मेरे को खानी ना पड़े, लंच में मैं 1-2 रोटी कम खाऊंगा उतनी मेहनत बचेगी। चालबाजी हर चीज में, चालबाजी औरत। तो क्या बना दिया नाश्ते में? तुम्हारे ऐसा पति हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ना। हाँ तो तुम्हारे ऐसी पत्नी हो ना तो जो दुश्मन की जरूरत ना, बिंडा बना रही। तुम्हारे ऐसी पत्नी मारने की साजिश रहती है अंदर अंदर के, मैं पतला हो जाऊं, 2 रोटी कम खाऊंगा मैं पतला हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अब खा लूंगा 12 बजे खाऊंगा तो नॉर्मल सी बात है कि लंच में मैं 4 रोटी थोड़ा ना खा पाऊंगा, उसमें मेहनत भी बचेगी, पर ये ना पता मैं अभी इतना पतला हो जाऊंगा, इतनी चालबाजी चलती है आजकल की पत्नी। ये दिख रहा होगा तबीयत खराब में भी बना के दे रही हूं। हैं? तबीयत खराब में भी बना के दे रही हूं। नहीं ये नहीं दिख रहा, सॉरी मेरे को दिखना रहा है, नहीं मेरे को ये दिखना रहा, सॉरी तुम्हें दिखी नहीं कभी मेरी अच्छाई सच्चाई। अच्छाई होनी भी तो चाहिए तभी तो दिखेगी, वही तो जिसे दिखनी नहीं होती ना उसको। नहीं नहीं जिसमें होगी नहीं तो दिखेगी कैसे? डोंट टॉक टू मी। ठीक है तो तुमसे बात भी नहीं करा, मैं गाइस से बात कर रहा हूँ ठीक है, निकलने की मेरी मर्जी, मेरा घर मैंने निकला जा। क्या बना रही है? मतवानों में बीमार हूं तुम्हें लगता ही। बना क्या रहे हो? समझ जाओ यार, समझ जाओ नहीं बना क्या रहे हो? भिंडा भिंडा ना भिंडी होती है ठीक है, मैं भिंडा। हाँ वो जेंट्स फिंगर बना रही, क्योंकि लेडीज फिंगर तो पतली वाली होगी ना, जो मोटे मोटे भिंडी भिंडे होते हैं वो कह रही जेंट्स फिंगर होती है, वो लोअर लेडीज फिंगर नहीं होती इसकी निगाह में, भाई इसके जैसे की भी तो फिंगर इतनी मोटी मोटी होती है, दिखाइयो जाए तो मोटी मोटी गेंडी से फिंगर। चलो बना लो जल्दी से, आई एम वेटिंग। तुम्हें बॉडी शेविंग कर, ब्रेकफास्ट लेके आओ। तू तो बहुत अंग्रेजन है ना, अंग्रेज आई है मेरे घर में अभी, अफ्रीका की, अफ्रीकन, तो अफ्रीकन जैसी लगती है बिल्कुल। चल अफ्रीकन देखो, बीवी मेरे को अपने हाथों से खाना खिलाई है
इसने बोला कैरी ब्लॉग में दिखा तो मैंने अच्छाई बुराई दिखाते तो मैं कहता चलो रहने दो कितनी बार तुम काम में लगे तो मैं अच्छाई भी खा लो अपने हाथों से गाइस खाना खिला दीजिए डिजर्व तो नहीं करते इतनी गंदे तरीके से लड़ते हो पर फिर भी इंसानियत के नाते खिलाने तो प्यार से खिला रहे डिजर्व नहीं करते ये सब बोल के खिलाएगी तो खुद खा लूंगा खा लो तुम सच में डिजर्व नहीं करते मैं बोलूंगी चल निकल मैं खा लूंगा गाय मैं खुद ही खा लूंगा तो नाश्ता देखो गाइस आ चुका है जैसे खाने को खाने परौंठे और साथ में क्या है मटर पनीर है सही है सही है तुम तुम्हें क्या भिंडिया बना रहे तुम मटर पनीर बना के ले आए काट रख के बना रही हूँ छोकू अच्छा अच्छा चलो गाइज मैं नाश्ता कर लेता हूँ तो फिर मिलता हूँ गाइज सुबह के बज रहे हैं 12 सुबह के नहीं सॉरी दोपहर के बज रहे हैं 12:40 और मैं अभी तक देख रहा था टीवी में मस्त मस्त गाने चला के देख रहा था और थोड़ा सा एडिटिंग भी कर रहा था वीडियोस की तो अभी फ्री हुआ थोड़ा सा तो गाइज लंच में बन रहे हैं ये कटे कटे ये क्या गाइज लंच में बन रहे हैं जेंट्स फिंगर क्योंकि इतनी मोटी मोटी लेडीज की फिंगर नहीं होती जेंट्स फिंगर है ये जेंट्स फिंगर हम बोल सकते हैं बहुत हार्ड हार्ड बहुत मोटी मोटी है ना लेडीज फिंगर नहीं गाइज लेडीज फिंगर का भी सीजन नहीं इसलिए जेंट्स फिंगर आ रही है ना तो इतनी मोटी है भाई जिस लेडीज की फिंगर है वो कमेंट करो नहीं गाइज जस्ट किडिंग तो चलो ये शिवानी लंच बना रही है और मैं जब तक रेडी हो जाता हूँ नहा धो के क्योंकि वैसे भी यार सर पे तेल लगा रखा है तो ऐसे सारा तेल बह बह के मुंह पे आ रहा है तो चलो मिलते थोड़े तुम्हारे लिए गाना सोना सोना सोनी सोनी गाइस सोनी सोनी रहती है हमेशा तो गाइस नाश्ता तैयार हो चुका मैं देखो नहा धो के एकदम टिप टॉप रेडी हो चुका हूँ और दोपहर के बज रहे हैं 1 और मैं नाश्ता बोल रहा हूँ सॉरी लंच रेडी हो चुका है जेंट्स फिंगर मेरी सही सही सलामत है तो चलो मैं गाइस लंच कर लेता हूँ जल्दी से क्योंकि मेरे को निकलना और बारिश का मौसम हो रहा है आज पता नहीं होता रास्ते में कहाँ फंस जाए फंस गए तो फंस ही गए मतलब लंबे टाइम के लिए भी बारिश आ जाती है आजकल दिल्ली में तो चलो मैं जल्दी जल्दी लंच कर लेता हूँ बाहर शिवानी की थोड़ी तबीयत ख़राब है उसको वीकनेस लग रही है फीवर था तो इसलिए मैं ही आ रहा हूँ व्लॉग में सामने शिवानी कह मैं नहीं आऊँगी मैं कह चलो मत आओ तो मैं चलो लंच कर लेता हूँ फिर मिलता हूँ गाइस शाम के बज चुके हैं 8:30 और मैं क्लासेस वगैरह लेने चला गया था तो टाइम ही नहीं मिला अभी मैं आया ही हूँ बस और इसकी तबीयत भी ख़राब थी शिवानी की तो इसलिए इतना व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि इसको फीवर है तो इसके लिए मैं लेके आया हूँ फ्रूट्स में आजकल वो चल रहा है ना बब्बू कोशा और आलू बुखारे लेके आया हूँ इसके लिए क्योंकि सही रहते हैं मतलब फ्रूट्स से खाने चाहिए है ना रोटी से तो फीवर ने देना कैसे उजड़ी जी बेचारी शांत सी घूम रही नहीं तो ये शांत रहने वाली इससे एक मिनट नहीं शांत रहा जाता इससे लड़ाकू है एक नंबर की चिड़ाकू देखो कितनी शांत बैठी देना कितनी शांत बैठी है बुखार है इस वजह से शांत बैठी वरना एक सेकंड के लिए बंदी शांत नहीं बैठ सकती एक सेकंड के लिए भी मेरे को तो कई बार ये भी होता मैं कहा भाई मैं काम पे चला गया देखो पीछे से कहीं अकेले तो नहीं बोले जा रही चलो गाइस मैं थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता हूँ तो फिर खाना वाला भी खाना अभी हेलो कर दो गाइस से बोल लो कुछ हेलो भाई बूझ बोलो हेलो भाई आते तो उसने आलू बुखारा ठूस लिया मुँह में तो बोलेगी क्या चलो गाइस शिवानी बना रही है खाना शिवानी खाने में क्या बना रहे हो शिमला मिर्च देखो जरा अभी बन रही है गाइस आलू शिमला मिर्च की सब्जी बन रही है देखो रेडी हो रही है और साथ में बन रही है रोटी सिर्फ मेरे लिए बन रही है क्योंकि शिवानी रोटी नहीं खाई शिवानी खिचड़ी खा चुकी है ऑलरेडी टाइम से क्योंकि मेरा को टाइम बेटाइम जाता है 9 बजे 10 बजे ऐसा रहता है तो इसको मैं बोलता हूँ टाइम से खा लेकर और ये तुम क्या कर रहे हो फ्लैक्स सीड्स चलो ठीक है यार मैं भी बहुत थक गया यार मैं भी बस रोटी खा के सोऊंगा यार बहुत नींद आ रही मेरे को इस तो रात के बज रहे हैं 11 और खाना वाना खा के मैं फ्री हो चुका हूँ खाने में मैंने शिमला मिर्च और रोटी खाई आपने देखा होगा विथ थोड़ी सी दही और शिवानी की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है उसको फीवर है ये देखो कैसे लेट हुई है फीवर में भी फ़ोन की चपटी हुई है ये फीवर में लोग रेस्ट करते तुम 24 घंटे फ़ोन में घुसा रहा करो देख रहे हो फीवर में भी फ़ोन नहीं छूटता गाइस आजकल तो इनका आजकल आप देखा नहीं कि आजकल आप हॉस्पिटल में भी जाओगे ना वहाँ पे भी भाई साहब फ़ोन ही चलाते होते हैं पेशेंट लेके के आजकल कोई हाल नहीं है किसी का भी तो चलो गाइस मैं अभी सो जाता हूँ मेरी भी लेग्स वगैरह बहुत पेन कर रही है आज मैं थक गया तो कल मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ तो ऐसे हमारे ब्लॉग में बने रहिए गाइस लाइक करो कमेंट करो शेयर करो